प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली बॉर्डर पर जाकर जवानों के साथ मनाएंगे। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर सीमा की रक्षा कर रहे जवानों के साथ इस बार दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे पहले ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और सुरक्षा की मौजूदा स्थिति तथा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सेना प्रमुख भी बॉर्डर की फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर जवानों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से PM पद संभाला है तभी से उन्होंने अपनी अधिकतर दिवाली सीमा पर तैनात जवानों के साथ मनाते हैं। इससे पहले साल 2017 में प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था, तो मैं भी एक इंसान हूं, जैसे आपका मन करता है मेरा भी मन करता है, और मेरा भी मन करता है दिवाली परिवार के साथ बिताता हूं, और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, आप ही मेरा परिवार है, और इसलिए मेरे अपने परिवार के बीच दीपावली मनाना उनकी खुशियों में शरीक होना उनके सुख दुख को समझना हो सके तो उस धरती पर जाकर के अनुभव करना क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप खुद जाकर के देखते नहीं है वो सिनेमा से पता नहीं चलता है फोटोग्राफ से पता नहीं चलता है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा LOC पर गए थे और सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। 2016 में भी प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर ITBP के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2017 में PM ने जम्मू कश्मीर के गुरेज में दिवाली का त्यौहार मनाया और 2018 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में चीनी बॉर्डर पर तैनात सेना तथा ITBP के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी।